27 आवर्स जर्नी करने के बाद लगता है वर्थ इट है। अभी मटन का अलग अलग रेसिपी चल रहा है, दीदी और जीजू दोनों बिजी हैं। दिस इज द बैकग्राउंड, इट्स अ ब्यूटीफुल सोसाइटी। थिंग इज दैट 27 आवर्स जो हमने जर्नी किया है, नेवर थॉट ऑफ इट बट फीलिंग गुड अबाउट इट। सो माहौल तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, अभी और क्या एंजॉय करते हैं। गोपाल्स पार्टी शॉप, ये पे खा के अभी निकले हम लोग। क्या मस्त कचौड़ी था, राज कचौड़ी एंड चाट। अभी देखते हैं कहाँ जाने का इरादा। 20 में पंचकुला में अभी हम लोग सेक्टर 20 मार्केट में घूम रहे हैं। भाई दिवाली के टाइम है, चार चांद लगी हुई है। सुना है दीदी लेके आई, बताया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत अच्छे गोलगप्पे और चाट मिलता है। देखते हैं अभी मामा भंजा चल दिए गाड़ी लाने, बड़े मजे हो रहे हैं। खाओ पियो ऐश करो भाई। चंडीगढ़ आ रहे हो, अम्बाला आ रहे हो, पंचकुला आ रहे हो, पंजाब में हो, खाना नहीं खाए फिर क्या किया है ना। हाँ जी, तो अभी गाड़ी पार्क की है जहाँ चल रहे हम लोग जाने, गाड़ी लाने हो गई। अब कैश आज के लिए दो घर, अभी फिर देखते हैं घर में जाके क्या होता है। पार्टी शार्टी हो जाए फिर मिलते हैं कल। कहाँ निकले? कौन सा जू? नाम बताओ। आई डोंट नो, शी यू शुड नो। सर पार्क का मैं हॉन्टेड हाउस ज्यादा चीता क्या या पैंथर बोल के भेज दिया जाके देखा चीता। सो इट्स अनप्लान ट्रिप बेसिकली। Talks about the conservation state.
पहाड़ों का रास्ता। सो हम क्या क्या ट्रैवल किए, स्टार्टिंग फ्रॉम मुंबई गुजरात फर्स्ट स्टेट, देन राजस्थान, देन हरियाणा, देन पंजाब, और अभी हम लोग हिमाचल में हैं। स्वर्गट इज इन हिमाचल गाइस, इट्स सो ब्यूटीफुल। पहाड़ों में गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ अलग है। अभी देयर इज अ चेंज ऑफ प्लान इज बिकॉज भाभी के जो पापा है उनका न्यूज आया, ही इज नॉट डूइंग वेल, सो दैट्स व्हाई भैया भाभी दे लेफ्ट अर्जेंटली, तो थोड़ा सा प्लान में चेंज भी आ गया। शिमला एंड अमृतसर इज नाउ ड्यू, पता नहीं होगा नहीं होगा, फिलहाल तो यार हिमाचल के मजे लेते हैं। आई एम एक्साइटेड क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं हिमाचल में ड्राइव कर रहा हूँ। ब्यूटीफुल रोड्स, फोटू ढाबा, चाय वाय तो मिलता नहीं, चाय के लिए रुके थे भाई। हिमाचल के रोड में चलाने का बात कुछ अलग ही है। मैप तो 3 घंटे से नीचे जा ही नहीं रहा है। चाय के लिए रुके थे, अभी मिला नहीं, देखते हैं फिर और कहीं चाय वाय के लिए रुकेंगे, क्या करें भाई। ट्रिपल एच होटल में हम लोग पहुंच चुके हैं, रास्ते में कहीं रुकवाया नहीं, शूट भी नहीं किया क्योंकि अंधेरे में कुछ समझ में नहीं आता। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू यार शिमला का, थोड़े इधर से देखते हैं। ये रहा पूरा शिमला का व्यू, सो ब्यूटीफुल मैन। काफ़ी सालों बाद मैं वापस आया एंड सुबह और भी अच्छा व्यू मिलेगा। ये ऊपर का व्यू है, क्या लग रहा है। ट्रिपल एच जो रूम मिला है, क्या नज़ारा है रूम से। अभी डिनर ऑर्डर हुआ है, आना बाकी है डिनर, मज़ा आ गया। ठंडी भी काफ़ी है अभी, मैप तो वेदर बता रहा था 6, बट ठीक है, एक हल्का सा जैकेट डाला हुआ है, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ द मॉर्निंग व्यू फ्रॉम होटल, इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकलेंगे घूमने, वो चर्च है एंड ये पार्किंग जो दिख रहा है इसके ऊपर हम लोग जाएंगे। मॉल रोड जाना है, शिमला कालीबाड़ी जाना है, इट्स अ बिजी सिटी, यहाँ से दिख रहा है अभी। हम लोग कल वहाँ से घूम घूम के आए, ऑल सेट विद कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट, साथ में पराठा। ये रहा एच एस टी का व्यू, काफ़ी अच्छा पार्किंग भी है, आप अगर कार से आ रहे हो यू कैन पार्क इट। सब लोग निकल पड़े, अभी जाखो टेंपल जाना है, वो जो चर्च दिख रहा है वो चर्च में भी जाना है, मॉल रोड जाना है एंड देन जाना है शिमला कालीबाड़ी, तभी देखते हैं सबसे पहला स्टॉप कहाँ होता है। जो चर्च हमें होटल से दिख रहा था फाइनली वहाँ पहुँच गए, काफ़ी दूर ऊपर तक चल के आना पड़ा। हम लोग पहुँच गए शिमला कालीबाड़ी।